मैदान पर खड़े बच्चों का करना रहेगा और बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि बटन दबाकर डीबीटी के माध्यम से 12 लाख का छात्राओं खाते में एक आदमी इधर आ जाओ। अक्टूबर को कितने छात्रों छात्रवृत्तियों में भेजे थे इसका नोट सभी प्रकार के नोट करके दे छात्रवृत्ति मिल रही है। अरे क्या है इसमें छात्रवृत्ति का सर्टिफिकेट? इधर आओ जी, आओ जी। क्या कर रहे हैं? बीटेक कर रही है। बहुत सुंदर, चलिए बधाई। आओ जी, क्या नाम है? आओ इधर। छात्रवृत्ति मिल रही है ना? पढ़ाई करोगी मेहनत से? बहुत सुंदर, मेहनत जाओ बधाई। आओ जी, क्या कर रहे हैं? ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई। मंत्री जी को भी आने दो, ठीक है? आप बताइए, बधाई जाओ। सर, सबसे बड़ा आज ये मेरा जन्मदिन है। अच्छा, चलिए बधाई आपको फिर तो, डबल बधाई। हो गया, जनपद का नाम बोली। मुरादाबाद बताइए। सुंदरम जी, जी सर, आप क्या कर रहे हैं? सर, मैं अभी डिप्लोमा फाइनल ईयर है मेरा सर, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। ठीक है, आपकी आपको स्कॉलरशिप मिल रही है? यस सर, हमें स्कॉलरशिप मिल रही है सर। ठीक है, इस बार की भी स्कॉलरशिप अब आपके अकाउंट में जा रही है? यस सर। क्या करते हैं इससे आप? सर, अभी जो कॉलेज की फीस होती है सर, पहले उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। और सर, जो बचती है सर, उसको अपना सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं सर, पढ़ाई के लिए मतलब। इससे आपको सहायता मिलती है? यस सर। ठीक है, बहुत सुंदर, आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को हमारी बधाई और शुभकामनाएं भी। अच्छा पढ़िए आप और शासन की सुविधाओं का लाभ लीजिए। आपके प्रिया धोलियान। आप क्या कर रही हैं प्रिया जी? बहुत सुंदर, आपको जो स्कॉलरशिप की राशि मिल रही है, इसका उपयोग कैसे करते हैं आप? सर, अपनी जो कॉलेज की फीस है उसमें डिवाइड करते हैं इसको।
ऐसा तो नहीं कि स्कॉलरशिप की राशि आपको मिल जाती है तो इसको अपनी जेब में रख करके फिर अपने माताजी पिताजी को परेशान करती होंगी? नो सर, ऐसा नहीं करते हैं। अच्छा, यानी इससे आपको मदद मिलती है? सर, बहुत मदद मिलती है इससे। चले, बधाई आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को, हमारी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। क्या हाल है प्रणव जी? क्या कर रहे हैं आप? सर, सर मैं अभी फिरोजाबाद में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फिरोजाबाद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में सेकंड ईयर में छात्र हूँ। आप लोगों की क्लासेस प्रारंभ हो गई है? जी सर। ठीक है, आपको स्कॉलरशिप की जो राशि मिल रही है इसका उपयोग आप किस रूप में करते हैं? सर, इसका उपयोग पढ़ाने में, फीस में, हमारी किताबें खरीदने में, कॉपी सब में काफी मदद मिलती है सर। इससे मदद मिलती है? जी सर। चलिए, बहुत अच्छा है। आपके माताजी पिताजी क्या करते हैं? सर, हमारे पिताजी खेती करते हैं। कहाँ? फिरोजाबाद में ही? जी सर, मैं मूल निवासी गाजीपुर जिला का। ओह, गाजीपुर के रहने वाले हैं आप। तो वहां पे छात्रावास में रहते हैं? जी सर। चलिए, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। अतुल जी। सर, नमस्ते, आप क्या कर रहे हैं? सर, मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ पॉलिटेक्निक फिरोजाबाद, थर्ड ईयर क्लास इन सिरेमिक इंजीनियरिंग। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर, मैं प्रॉपर तो सिसोर डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज का हूँ। अच्छा, महाराजगंज से आप यहाँ यहाँ पढ़ रहे हैं? जी सर, फिरोजाबाद में सर मैं काउंसलिंग के माध्यम से यहाँ पे आया हूँ। अच्छा अच्छा, तो यहाँ यहीं पे रहते हैं, छात्रावास में रहते हैं? सर, छात्रावास में भी रहते थे और इस टाइम तो बाहर रह रहे हैं। अच्छा, रूम देखते हैं। क्लास वगैरह चल प्रारंभ हो गई है? जी सर। ठीक है, तो स्कॉलरशिप का उपयोग किस रूप में करते हैं आप लोग? सर, स्कॉलरशिप मिलता तो सर जैसे कि हम लोग की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इस वजह से थोड़ा घर पे भी हेल्प दे देते हैं और सर उसके बाद फिर अपना फीस का और स्टडी के जितने भी वस्तुएं होते हैं तो सर उसको देने में बहुत अधिक मदद मिलता है। इसके लिए सर मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और सर मैं अपने बोर्ड को, बीटी यूपी बोर्ड को भी धन्यवाद देना चाहूंगा और यहाँ पे उपस्थित सभी गणमान्य महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूंगा सर। चलिए, बधाई आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को। अच्छा पढ़ाई करिए, फिरोजाबाद तो वैसे भी ग्लास आइटम के लिए विख्यात है और आप इसी ट्रेड से जो है आप जो है अपना डिप्लोमा ले रहे हैं। आपको देखना चाहिए वहां पे क्या क्या कैसे कैसे लोग वहां पे कार्य कर रहे हैं, तो आपको बहुत मदद मिलेगी बाकी आगे बढ़ने में। ठीक है ना? जिला प्रयागराज। नमस्कार सर, हमारे बीच अरियंता मुकेश है सर, गौतम की तबीयत आज ठीक नहीं है सर, इसलिए वो नहीं आए हैं। अरियंता से बात करेंगे सर। हाँ नमस्ते जी, क्या कर रहे हैं रहन जी आप? डिप्लोमा इलेक्ट करेंगे। अच्छा, आप किस उससे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल से? अच्छा, आपका कौन सा थर्ड ईयर है? क्या कर रहे हैं इसके जो पैसा आपको प्राप्त होता है इससे क्या करते हैं? अच्छा, माता पिता जी क्या करते हैं? कहाँ के मूल रूप से रहने वाले हैं आप? प्रयागराज के ही रहने वाले हैं जी। तो घर से ही अप डाउन होता है अपने घर से ही होता है? चलिए, आपको बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको, आपके माताजी पिताजी को भी। जनपद वाला। नमस्कार सर, हमारे यहाँ सर अंशु, निगम और आकाश सिंह दो बच्चे हैं सर, 9 और 10 के, आपसे बात करेंगे। आकाशी,
नमस्ते जी, आप क्या करते हैं? सर मैं 10th में पढ़ने वाला छात्र हूँ। अच्छा, तो स्कॉलरशिप से आप क्या करते हैं, इतना पैसा मिलता है तो? सर स्कॉलरशिप से मेरी पढ़ाई में बहुत ही मतलब मदद मिलता है, मुझे पुस्तकें खरीदने में और जो भी उपयोगी सामग्रियां पढ़ाई के लिए वो खरीदने में बहुत सहायता मिलती है। ऐसा तो नहीं कि स्कॉलरशिप का पैसा मिलने के बाद आप जो है बाजार में निकल जाते होंगे मार्केटिंग करने के लिए और फिल्म देखने के लिए, और माँ बाप इंतजार कर रहे हैं कि स्कूल पढ़ रहा है? नहीं सर, ऐसा नहीं करते। ठीक है, मेहनत से पढ़ाई करते हैं ना? जी सर। तो ये पैसा जो मिल रहा है स्कॉलरशिप के रूप में, ये आपको मदद हो, इससे मदद मिलती है अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में? जी सर। चलिए, बहुत सुंदर, बधाई आपको और आपके माता पिता जी को भी जो आपको पढ़ाई यहाँ अच्छा पढ़ा रहे हैं। अंश जी, आप नमस्ते, आप कौन क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास में सर। 9th में आप पढ़ रहे हैं? यस सर। आपका मूल घर कहाँ है? हमारा सर है पिसंडा, अदर्रा पिसंडा। तो कैसे आप आते हैं? सर अभी यहीं पे रुके हुए हैं बांदा में। बांदा में ही रुके रहते हैं, वहीं पे पढ़ाई करते हैं कोई? तो स्कॉलरशिप के पैसे का क्या करते हैं? सर इससे हमें पढ़ाई में बहुत सहायता मिलती है, इससे हम स्कूल की फीस अपने घर देते हैं और सर स्टडी के सामान खरीद लेते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई। आपके सामने दो बालिकाएं भी हैं। यस। तो ये क्या कर रहे हैं, कौन कौन क्लास में पढ़ते हैं, इनका परिचय दिलाओ। अच्छा, स्कॉलरशिप मिलता है आपको? यस सर। क्या क्या करती हैं स्कॉलरशिप से आप? मैं इसके लिए अपने पुस्तक, किताबें, कॉपियां और जो जरूरत होती है कोचिंग वगैरह के लिए भी मैं यूज कर लेती हूँ, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। अच्छा, मदद मिल जाती है? यस सर। बहुत सुंदर, बधाई आपको। और आपके बगल में एक और भी है, एक और बेटी बैठी हुई है। आपका नाम क्या है, अपने नाम बताइए। गीता। गीता नाम है आपका? जी सर। कौन क्लास में पढ़ती है? 10th में। 10th में पढ़ती है? तो ये जो पैसा मिलता है इससे क्या करती है? इससे फीस जमा कर देते हैं और कोचिंग वोचिंग भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, और कॉपी बुक खरीद लेते हैं। अच्छा, मदद मिलती है? जी। ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई। आप दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई। हाँ नमस्ते जी, आशीष जी क्या नाम है, आप क्या करते हैं? जी सर, मैं राजकीय कॉलेज ट्यूनिंग दही चौकी का छात्र हूँ और डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनल ईयर है आपका। yes, मूल कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर कानपुर डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा, कानपुर से आप यहीं रहते हैं, उन्नाव में ही रहते हैं कि रोज अप डाउन करते हैं? नहीं, उन्नाव में रहते हैं। उन्नाव में ही रहते हैं? yes। नियमित अपनी क्लास अटेंड करते हैं? yes, सर, रेगुलर। रेगुलर, ठीक है। आपका स्कॉलरशिप से जो पैसा मिलता है इससे क्या करते हैं आप? इससे सर अपनी फीस जमा कर देते हैं, लेते हैं। ठीक है, इससे मदद मिलती है? इससे सर बहुत हमारी पढ़ाई बहुत मदद मिलती है। बहुत सुंदर, बधाई और मंगल में शुभकामनाएं। दक्ष जी आप बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम। हाँ नमस्ते, आप क्या करते हैं? सर मैं 3rd ईयर का छात्र हूँ, डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो इसमें क्या आपको मदद मिलती है इस पैसे से? यस सर, बहुत मदद मिलती है सर, इससे मैं अपनी फीस सबमिट कर देता हूँ और जो स्टडी से मटेरियल होता है वो खरीद लेता हूँ सर। आपका जो है, आपके माताजी पिताजी क्या करते हैं? सर मजदूरी करते हैं सर। ठीक है, बहुत सुंदर, तो इससे आप यानी आपको काफी अच्छी मदद मिलती है। यस सर, यस सर। बधाई, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई दी। मुख्यमंत्री से अनुरोध है संबोधन करने का प्रदेश सरकार में मेरे
वरिष्ठ सहयोगी समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी, प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से जुड़े हुए राज्य मंत्री श्री मोहसिन रजा जी, प्रदेश के मुख्य सचिव, हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण और मेरे साथ प्रदेश के अलग अलग जनपदों से जुड़े हुए समाज कल्याण विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांग जन कल्याण विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, सभी वर्चुअली जुड़े हुए बच्चे, मैं सबसे पहले प्रदेश के उन सभी अपने युवा साथियों को जिन्हें आज यहां पर स्कॉलरशिप उपलब्ध कराई जा रही है उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 12,17,631 बच्चों को आज स्कॉलरशिप दी जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 2 अक्टूबर को प्रदेश सरकार ने लगभग 57,00,000 बच्चों को स्कॉलरशिप की किस्त भेजी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण एक बड़ी संख्या में हमारे स्कूल कॉलेजेज या इंजीनियरिंग कॉलेजेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई ऐसे थे जो प्रारंभ नहीं हो पाए थे और लेट एडमिशन के नाते संख्या हमारे पास पूरी नहीं आ पाई थी, जिसके कारण हम लोगों को स्कॉलरशिप को अलग अलग किस्त में भेजना पड़ रहा है। आज मुझे प्रसन्नता है कि 12,17,631 बच्चों की स्कॉलरशिप, जिसमें 458,66,00,000 रुपये आज शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है। मैं इसके लिए सभी जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो आज स्कॉलरशिप प्राप्त कर रही हैं, और जैसे कि मैंने यहाँ लखनऊ में भी मेरे साथ 5 छात्रों ने यहाँ पर आकर के और लगभग 12 छात्रों से मैंने छात्र छात्राओं के साथ मैंने स्वयं यहाँ पे वर्चुअली संवाद बनाया है, और जो मुझे बताया गया कि इस स्कॉलरशिप से इन बच्चों को अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छी मदद मिलती है, ये शासन के लिए प्रसन्नता का विषय है। मैं इसके लिए आप सभी छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूं, आपके अभिभावकों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं जो आपके स्कूल भेज रहे हैं, और आपके स्कूल के गुरुजनों को, समाज कल्याण विभाग से जुड़े हुए, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को भी इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जो आपको शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने का रहा है, और इसके लिए सरकार अपनी ओर से अहर्निश प्रयास करती है, लेकिन उन योजनाओं की जानकारी होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसके लिए जागरूकता महत्वपूर्ण होती है। यह कार्यक्रम उसी जागरूकता का एक हिस्सा है। हम स्कॉलरशिप तो दे रहे हैं, लेकिन स्कॉलरशिप के साथ साथ इसकी जानकारी छात्रों को हो, मीडिया के माध्यम से यह उन तमाम छात्रों तक पहुंचे जो अभी अपना आवेदन नहीं भर पाए हैं, और इसलिए इसको एक कार्यक्रम के माध्यम से सरकार उपलब्ध कराने का कार्य करती है, जिससे अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ ले सकें। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इन सभी योजनाओं को लेकर के सरकार की जो कार्य योजना जो चल विस्तृत रूप से आगे बढ़ी है, 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 40,00,000 से अधिक बच्चों को जो पूर्ववर्ती सरकार में स्कॉलरशिप मिलती थी उससे भी 40,00,000 से अधिक बच्चों को इस योजना के साथ जोड़ने का कार्य किया है।
दूसरा, पिछली सरकारें भेदभाव करती थी। 2016-17 में अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों की स्कॉलरशिप ही रोक दी गई थी, और जब हम लोग 2017 में आए तो मैं देख करके आश्चर्यचकित था कि उन बच्चों की स्कॉलरशिप गई नहीं थी, परीक्षाएं नजदीक आ गई थी, और फिर सरकार ने पहल करके उन बच्चों की स्कॉलरशिप को भेजने का कार्य किया था। जो सरकारें राजनीतिक प्रतिशोध और प्रतिद्वंदिता के तहत बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करती हो, उन लोगों के द्वारा ये सीधे सीधे शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं को बाधित करने का एक षड्यंत्र किया है। लेकिन पिछले 5 वर्ष के दौरान आपने देखा होगा कैसे शासन की योजनाओं को हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है, चाहे वह अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए फ्री में कोचिंग की व्यवस्था के लिए की जाने वाली व्यवस्था हो, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए कोचिंग की व्यवस्था हो, या अन्य सभी बच्चों के लिए, पिछड़ी जाति सामान्य जाति से जुड़े हुए बच्चों के लिए भी कोचिंग की फ्री में व्यवस्था, अभ्युदय योजना वर्तमान में सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर संचालित हो रही है। और मैं समाज कल्याण विभाग से कहूंगा कि अभी तक 18 जनपदों में ये योजना चल रही है, इसको सभी 75 जनपदों में इस योजना को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हम तकनीक का उपयोग करें, और तकनीक का उपयोग करते हुए कहीं फिजिकली कहीं वर्चुअली अगर हम इस योजना के साथ प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों को भी जोड़ सकें, इसमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको यूपीएससी की तैयारी करनी होगी, बहुत सारे बच्चे हैं जिन बच्चों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग की परीक्षाओं के साथ जुड़ने, या फिर बैंकिंग की सेवाओं, रेलवे की सर्विस के लिए, या फिर अपनी स्वयं की उच्च अध्ययन की दृष्टि से नीट या जेई के बारे में ही उस प्रकार के प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है जो ने उसके बारे में बेहतर तरीके से बता सके, वह अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से प्रदेश सरकार प्रदेश के अंदर इस कार्यक्रम को प्रारंभ की है। हमने कोरोना महामारी की चुनौतियों को देखा है, कोरोना महामारी प्रारंभ होते समय कोटा से और प्रयागराज से हजारों बच्चों को उनके घरों तक पहुंचाने और उस समय उनके माता पिता की व्यग्रता को भी हम लोगों ने बहुत नजदीक से महसूस किया है। और उस समय फिर सरकार ने तय किया था कि जो बच्चे बाहर घर से दूर रह करके कोचिंग के लिए दूर जाते हैं, उन बच्चों के लिए हम उन्हीं के जनपद में कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था उसी का परिणाम है, और मैं समाज कल्याण विभाग से कहूंगा कि वह प्रयास करें कि हरेक जनपद में हम अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य करें। इसमें अच्छी फैकल्टी होनी चाहिए, दूसरा उस फील्ड से जुड़े हुए विशेषज्ञों को भी रखने की आवश्यकता है। जैसे अभ्युदय कोचिंग के 18 जनपदों में संचालित केंद्रों में जो हमारे प्रशिक्षु आईएएस आते हैं या प्रशिक्षु आईपीएस होते हैं, आईएफएस होते हैं, उन लोगों को हम बुला करके उनके माध्यम से भी क्लासेस लेवाते हैं, जो टॉपर हैं या फील्ड में नए हमारे अधिकारी आते हैं उनको भी हम उनके माध्यम से भी कुछ लोगों को बच्चों को गाइड करवाने का कार्य करते हैं, और उससे काफी बड़ी मदद मिलती है बच्चों को अपने आगे की पढ़ाई की तैयारी के लिए और आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं की एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने के लिए। बड़ी संख्या में मैं इस बार देख रहा था अभ्युदय कोचिंग से निकले हुए बच्चे
अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में उन्होंने स्थान प्राप्त किया और ये परिणाम उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। सरकार इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। स्कॉलरशिप या शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था या उससे पूर्व के बच्चों के लिए भी यह व्यवस्था यहां पर दी जा रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछली सरकारें इस स्कॉलरशिप पर रोक लगाती थी, इसमें अपना स्वयं का राजनीतिक लाभ और हानि देखती थी, लेकिन आज लाभ हानि को की परवाह किए बगैर केवल और केवल ये मान करके कि जो बच्चे प्रदेश के विभिन्न संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं, ये प्रदेश के बच्चे हैं, इनको पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, अच्छा वातावरण मिलना चाहिए और उस अच्छे वातावरण के माध्यम से उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति और स्कॉलरशिप की राशि समयबद्ध ढंग से उन तक पहुंचनी चाहिए। मैं विभाग से, समाज कल्याण विभाग से और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से इस बारे में कहूंगा कि अभी प्रवेश की प्रक्रियाएं चल रही हैं। बहुत सारी जगह विश्वविद्यालयों में, इंजीनियरिंग संस्थानों में अभी प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है और बड़े पैमाने पर मेडिकल की अभी प्रवेश होंगे, नर्सिंग के, पैरामेडिकल के प्रवेश होंगे, विश्वविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रवेश की प्रक्रिया को 30 दिसंबर तक पूरा करते हुए प्रवेश के साथ ही इन बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि भी उनके अकाउंट में चली जाए, जिससे उन्हें शुल्क प्रतिपूर्ति में या अपने लिए किसी भी प्रकार की पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई सामग्री खरीदने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। राज्य सरकार इसी दिसंबर महीने में प्रदेश के अपने युवा छात्रों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन करने वाले विश्वविद्यालयों में हो, इंजीनियरिंग संस्थानों में हो, पॉलिटेक्निक में हो, आईटीआई, नर्सिंग, पैरामेडिकल या अन्य जो भी पाठ्यक्रम है, इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट को भी वितरण करने की एक बड़ी कार्य योजना पर कार्य कर रही है। ये प्रवेश समय पर हो, समय पर उनके नाम अपलोड हो और फिर उन्हें एक निश्चित योजना के तहत हम दिसंबर से लेकर के मार्च तक उन सभी छात्रों को टैबलेट, स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध करवाने में योगदान दे सके, इस पर हमें कार्य करना चाहिए और इसे हमें निरंतर आगे बढ़ाना चाहिए। जिन छात्रों के जो बच्चे बचे हुए हैं, हर हाल में हमारा प्रयास हो कि इन्हें हम 26 जनवरी तक स्कॉलरशिप हर हाल में उनके अकाउंट में भेजने की व्यवस्था कर लें, क्योंकि वह एक बच्चे के लिए, अभी मेरा जो इंटरेक्शन हो रहा था बच्चों से, तो उससे बहुत स्पष्ट था ये स्कॉलरशिप या शुल्क प्रतिपूर्ति उन बच्चों के लिए बहुत सहायक होती है उनके अपने अध्ययन को आगे बढ़ाने में। आज के इस अवसर पर जब हम लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत बताते हुए प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर 12,17,631 बच्चों को ये स्कॉलरशिप उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें 6,23,246 पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए बच्चे हैं, 3,54,088 ये सामान्य वर्ग से हैं, 1,66,291 अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए 3,54,088 सामान्य वर्ग के, 1,66,291 और अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए 2,281 और अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए 71,725 छात्र छात्राएं शामिल हैं। यानी अब तक हम लोग लगभग 68 लाख से अधिक बच्चों के अकाउंट में इस धनराशि को उपलब्ध करवाने में, हमें 68 हजार से अधिक बच्चों के अकाउंट में पैसा उपलब्ध करवाने में मदद मिली है। जो बच्चे अभी बचे हैं, जिनके प्रवेश नहीं हो पाए हैं, इस पर भी सभी समाज कल्याण अधिकारी और पिछड़ा वर्ग कल्याण से जुड़े हुए
जिले के अधिकारी हरेक स्तर पर व्यापक सर्वे करते हुए उन सभी बच्चों के नाम अपलोड कर दिए जाने चाहिए, जिससे समय पर स्कॉलरशिप की राशि उनके अकाउंट में दी जा सके। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से इन सभी बच्चों को जिन्हें स्कॉलरशिप की राशि जा रही है, मैं उन्हें बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि वह शासन की मंशा के अनुरूप, अपने माँ बाप और अभिभावक की भावनाओं के अनुरूप अच्छी पढ़ाई करते हुए, अच्छे अंकों में अपने पाठ्यक्रम में स्थान प्राप्त करते हुए वे अपना योगदान समाज के लिए और राष्ट्र के लिए दे पाएंगे। आप सबको मेरी बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। समारोह में हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, देश के लोकप्रिय, हम सबके अभिभावक माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के हमारे अल्पसंख्यक और कल्याण समाज विभाग के मंत्री रमापति शास्त्री जी, मुख्य सचिव जी और सभी वरिष्ठ अधिकारी और सभी हमारे मंत्रालयों से आए हुए अधिकारीगण, हर जनपद से जुड़े हुए सारे छात्र और यहाँ पर जो भी फिजिकली 5 छात्रों को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया, उनको छात्रवृत्ति दी गई और साथ में जो वर्चुअली अलग अलग जनपदों से जुड़े सभी को मैं धन्यवाद करता हूं और साथ ही अपने मीडिया के साथियों का कि उन्होंने इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का काम किया और माननीय मुख्यमंत्री का मैं बारंबार धन्यवाद और साधुवाद करूंगा कि उनके मार्गदर्शन में हमारे इस तरह के जो छात्र हैं जो बहुत वंचित और शोषित थे, उनको छात्रवृत्ति देकर हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपके नेतृत्व में आपका आशीर्वचन मिला, आपका हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहता है और आगे भी भविष्य में मिलता रहेगा। सभी लोगों का हम धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत आभार। चलिए, धन्यवाद।